हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे करीना कपूर की सभी फिल्मों के बारे में, साथ में यह भी देखेंगे कि इसकी कितनी फिल्में हिट और फ्लॉप रही है। दोस्तों करीना कपूर का जन्म 21 सितंबर 1980 को हुआ था और इसके पिता का नाम है रणधीर कपूर और इसकी माता का नाम है बबीता और दोस्तों इसके पति का नाम है सैफ अली खान। दोस्तों करीना कपूर की पहली मूवी आई थी साल 2000 में रेफ्यूजी और दोस्तों इसकी बजट थी 15 करोड़ की और इसने कमाई की थी 35 करोड़ 45 लाख और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दी गई। इसके बाद इसकी साल 2001 में दूसरी मूवी आई थी मुझे कुछ कहना है और दोस्तों इसकी बजट थी 7 करोड़ और इसने कमाई की थी 30 करोड़ 99 लाख और यह मूवी सुपर हिट हो गई। इसी साल यादें मूवी आई और इसकी बजट थी 20 करोड़ की और इसने कमाई की थी 34 करोड़ 59 लाख और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इसकी अजनबी मूवी आती है और इसकी बजट थी 17 करोड़ की और इसने कमाई की थी 31 करोड़ 83 लाख और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल अशोक मूवी आई थी और इसकी बजट थी 12 करोड़ और इसने कमाई की थी 28 करोड़ 3 लाख लेकिन यह मूवी फ्लॉप करार दी गई। इसी साल करीना कपूर की मूवी आई थी कभी खुशी कभी गम और दोस्तों इसकी बजट थी 40 करोड़ की और इसने कमाई की 135 करोड़ 53 लाख और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद साल 2002 में करीना कपूर की मूवी आई मुझसे दोस्ती करोगे और दोस्तों इसकी बजट थी 12 करोड़ की और इसने कमाई की 33 करोड़ 61 लाख और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल जीना सिर्फ मेरे लिए मूवी आई और इसकी बजट थी 8 करोड़ की और इसने कमाई की 11 करोड़ 94 लाख और यह मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद साल 2003 में मूवी आई थी तलाश और इसकी बजट थी 9 करोड़ 35 लाख और इसने कमाई की 14 करोड़ 66 लाख और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल खुशी मूवी आई थी और इसकी बजट थी 9 करोड़ और इसने कमाई की 18 करोड़ 17 लाख और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल मूवी आई थी मैं प्रेम की दीवानी हूँ और इसकी बजट थी 24 करोड़ की और इसने कमाई की थी 39 करोड़ 31 लाख और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दी गई। इसी साल एलओसी कारगिल मूवी आई और इसकी बजट थी 33 करोड़ की और इसने कमाई की 31 करोड़ 67 लाख और यह मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद साल 2004 में इसकी मूवी आई थी चमेली और बात करें इसकी बजट थी 3 करोड़ 50 लाख और इसने कमाई की 5 करोड़ 1 लाख और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल युवा मूवी आई थी और इसकी बजट थी 12 करोड़ की और इसने कमाई की थी 24 करोड़ 48 लाख लेकिन यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। इसी साल देव मूवी आती है और इसकी बजट थी 8 करोड़ 25 लाख और इसने कमाई की 11 करोड़ 81 लाख और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इसकी फिदा मूवी आई और इसकी बजट थी 10 करोड़ और इसने कमाई की 16 करोड़ 93 लाख की और यह मूवी भी फ्लॉप रही। इसी साल ऐतराज मूवी आई और इसकी बजट थी 11 करोड़ की और इसने कमाई की 26 करोड़ 5 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर अबोव एवरेज साबित हुई। इसी साल हलचल मूवी आई और इसकी बजट थी 10 करोड़ की और इसने कमाई की 32 करोड़ 87 लाख और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसके बाद साल 2005 में करीना कपूर की मूवी आई थी बेवफा और बात करें इसकी बजट थी 18 करोड़ की और इसने कमाई की थी 33 करोड़ 18 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज साबित हुई। इसी साल इसकी मूवी आई क्यू की और बात करें इसकी बजट थी 21 करोड़ और इसने कमाई की 23 करोड़ 15 लाख और यह मूवी फ्लॉप करार दी गई। इसी साल दोस्ती मूवी आई और इसकी बजट थी 15 करोड़ और इसने कमाई की 23 करोड़ 7 लाख और यह भी फ्लॉप करार दी गई। इसके बाद साल 2006 में इसकी मूवी आई थी 36 चाइना टाउन और बात करें इसकी बजट थी 19 करोड़ और इसने कमाई की 37 करोड़ 92 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेम हिट रही। इसी साल चुप चुप के मूवी आई थी और इसकी बजट थी 12 करोड़ की और इसने कमाई की 25 करोड़ 58 लाख और यह मूवी एवरेज रही।
चली। इसी साल ओमकारा मूवी आई और इसकी बजट थी 26 करोड़ की और इसने कमाई की थी 42 करोड़ 41 लाख, लेकिन यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसके बाद साल 2007 में करीना कपूर की मूवी आई थी जब वी मेट और इसकी बजट थी 15 करोड़ की और इसने कमाई की थी 50 करोड़ 94 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसके बाद साल 2008 में करीना कपूर की मूवी आई थी टशन और दोस्तों इसकी बजट थी 31 करोड़ की और इसने कमाई की थी 51 करोड़ 62 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज साबित हुई। इसी साल करीना कपूर की रोड साइड रोमियो नाम की एक एनिमेटेड मूवी आई थी और इस मूवी में करीना कपूर ने लैला नाम की एक कुतिया की आवाज दी है और दोस्तों इसकी बजट थी 15 करोड़ की और इसने कमाई की 8 करोड़ 71 लाख और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। वैसे दोस्तों यह मूवी मुझे तो अच्छी लगी थी। इसी साल गोलमाल रिटर्न्स मूवी आई थी और दोस्तों इसकी बजट थी 35 करोड़ की और इसने कमाई की 80 करोड़ 1 लाख और यह मूवी हिट हो गई। इसके बाद साल 2009 में करीना कपूर की मूवी आई थी कमबख्त इश्क और इसकी बजट थी 65 करोड़ की और इसने कमाई की 85 करोड़ 56 लाख की और यह मूवी एवरेज करार दी गई। इसी साल में और मिसिस खन्ना मूवी आई और इसकी बजट थी 38 करोड़ की और इसने कमाई की मात्र 14 करोड़ 61 लाख और यह मूवी बुरी तरह डिजास्टर हुई। इसी साल कुर्बान मूवी आती है और इसकी बजट थी 50 करोड़ और इसने कमाई की 46 करोड़ 42 लाख और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल करीना कपूर की मूवी आई दोस्तों थ्री इडियट्स और इस मूवी की बजट थी 55 करोड़ की और इसने कुल कमाई की 468 करोड़ 2 लाख और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद साल 2010 में इसकी मूवी आई थी मिलेंगे मिलेंगे और इसकी बजट थी 12 करोड़ की और इसने कमाई की 18 करोड़ 85 लाख और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल वी आर फैमिली मूवी आई और इसकी बजट थी 30 करोड़ की और इसने कमाई की 42 करोड़ 5 लाख और यह मूवी भी फ्लॉप रही। इसी साल करीना कपूर की मूवी आई थी गोलमाल 3 और इस मूवी की बजट थी 40 करोड़ की और इसने कमाई की 169 करोड़ 56 लाख और यह मूवी ब्लॉकबस्टर हो गई। इसके बाद साल 2011 में करीना कपूर की मूवी आई थी दोस्तों बॉडीगार्ड और इस मूवी की बजट थी 60 करोड़ की और इसने कमाई की 252 करोड़ 99 लाख और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसी साल इसकी रावण मूवी आई और इसकी बजट थी 130 करोड़ और इसने कमाई की 208 करोड़ 10 लाख और यह मूवी हिट रही। इसके बाद साल 2012 में करीना कपूर की मूवी आई थी एक में एक और तू और इसकी बजट थी 32 करोड़ की और इसने कमाई की 75 करोड़ 20 लाख और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल इसकी मूवी आई थी एजेंट विनोद और इसकी बजट थी 62 करोड़ की और इसने कमाई की 74 करोड़ 57 लाख और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल हीरोइन मूवी आई और इसकी बजट थी 32 करोड़ की और इसने कमाई की 71 करोड़ 73 लाख और यह मूवी अबोव एवरेज साबित हुई। इसी साल तलाश मूवी आई थी और इसकी बजट थी 45 करोड़ की और इसने कमाई की थी 180 करोड़ 83 लाख और यह मूवी हिट साबित हुई। इसके बाद साल 2013 में इसकी मूवी आई थी सत्याग्रह और इसकी बजट थी 60 करोड़ की और इसने कमाई की थी 97 करोड़ 18 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। इसी साल गोरी तेरे प्यार में मूवी आई थी और इसकी बजट थी 46 करोड़ की और इसने कमाई की थी 32 करोड़ 80 लाख और यह मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2014 में इसकी मूवी आई थी सिंघम रिटर्न्स और दोस्तों इसकी बजट थी 70 करोड़ की और इसने कमाई की थी 195 करोड़ 31 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसके बाद साल 2015 में करीना कपूर की मूवी आई थी बजरंगी भाईजान और दोस्तों इसकी बजट थी 76 करोड़ की और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 969 करोड़ 6 लाख की और दोस्तों यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित होती है। वैसे दोस्तों यह मूवी मुझे काफी अच्छी लगती है। इसके बाद साल 2016 में इसकी मूवी आई थी की एन का
था और इसकी बजट थी 30 करोड़ की और इसने कमाई की थी 99 करोड़ 30 लाख और यह मूवी सेमी हिट रही। इसी साल उड़ता पंजाब मूवी आई थी और इसकी बजट थी 47 करोड़ की और इसने कमाई की 97 करोड़ 30 लाख और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसके बाद साल 2018 में इसकी मूवी आई थी वीरा दी वेडिंग और दोस्तों इसकी बजट थी 35 करोड़ की और इसने कमाई की थी 141 करोड़ और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद साल 2019 में करीना कपूर की मूवी आई थी गुड न्यूज और दोस्तों इसकी बजट थी 95 करोड़ और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 318 करोड़ 55 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई। इसके बाद साल 2020 में इसकी मूवी आई थी अंग्रेजी मीडियम और दोस्तों इसकी बजट थी 36 करोड़ की और इसने कमाई की थी मात्र 13 करोड़ 54 लाख और यह मूवी बुरी तरह डिजास्टर साबित हुई। इसके बाद 2022 में करीना कपूर की मूवी आई थी लाल सिंह चड्ढा और दोस्तों इसकी बजट थी 180 करोड़ और दोस्तों इसने कमाई की थी मात्र 131 करोड़ की और यह मूवी बुरी तरह डिजास्टर साबित हुई। तो दोस्तों यह था करीना कपूर का अब तक का फिल्मी सफर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दे ताकि जैसी ही हम न्यू वीडियो अपलोड करें आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सको। तो दोस्तों तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खत्म, बाय बाय, टाटा।